तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर एरगन बुटे आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 तारीख को मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया हुआ था। उसमें मैंने ट्रेडिंग टीचर मलाई इंडिकेटर एंड रोबोट के बारे में आप लोगों को बताया था। तो 7 तारीख को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसका थंबनेल यही था, ट्रेडिंग टीचर मलाई इंडिकेटर रोबोट। तो इसके बारे में ये कुछ चार्ट्स मैंने आपको समझाए थे कि ये इंडिकेटर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ट्रेड्स लेने हैं और इसके जो सेटिंग्स हैं, ट्रेड सेटिंग्स, स्टॉप लॉस टारगेट के, ये भी मैंने आपको बताए थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पार्ट आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझेगा नहीं। ओके, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को याद होगा कि उस दिन मैंने आपको एक ट्रेड लेके दिखाया था, उसमें कि हमने जो बाइंग की हुई थी वो इस लेवल पर की हुई थी, आपको याद होगा। तो वो वीडियो अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे डेस्कटॉप पे, मैं चेक करता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर थी ये वाली है क्लिप, उसको मैंने डिलीट किया हुआ था। तो मैं आपको पहले वो ट्रेड दिखा देता हूँ कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया था और हमने क्या ट्रेड किया था। बस एक 2 मिनट में आपको वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो इस आवाज़ को सुनिए आप, आई थिंक आपने पहले से देखा होगा। स्वागत करता हूँ, बहुत दिन होने के बाद मैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर कुछ ट्रेड लिया हुआ था, मेरे ख्याल से यहाँ पर था 10th मिनट जो है, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था। क्लिक करना है, ओके करना है और यहाँ पे ऑटो ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तुरंत ये सिस्टम एक ट्रेड उठा लेगा यहाँ पे और इसका जो SLTP है। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था और इसका जो स्टॉप लॉस था वो हमने यहाँ पर कहीं पर लगाया हुआ था। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमने इस लेवल के आसपास कहीं पर लगाया हुआ था 1 घंटे के ऊपर। इसको देखिए कि मैंने कहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वो अपने आप यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आप TP और SL एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे एरो के नीचे लगा रहा हूँ जैसा मैंने आपको बताया है। तो इसका जो TP है, तो वो जो स्टॉप लॉस हमने इस एरो के नीचे लगाया हुआ था और यहाँ पर हमने टारगेट लगाया हुआ था, फिर बाद में उसको मैंने मॉडिफाई भी किया था शायद। तो ये जो टारगेट है वो अपना हिट हो गया है मेरे ख्याल से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टारगेट जो है, मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें किए हुए थे टारगेट में, और ये इंडिकेटर कैसे लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था। ओके, तो इस वीडियो को छोड़िए, ये ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी जो मेन मुद्दा है मेरा कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो ट्रेड लिया था वो जो ट्रेड था वो मेरे ख्याल से यहाँ पर था इस एरिया में, और हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। आई थिंक इस एरो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ पर बीच बीच में कभी कभी एग्जिट के सिग्नल्स भी आते हैं। तो हो सकता है आप में से जो भी इसको लिया हुआ है तो बीच में जो एग्जिट के सिग्नल्स आते हैं तो हमें वहाँ पर एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कहीं भी कहीं पर भी घूम सकता है। लेकिन फिर भी अगर अभी की कंडीशन अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुँच चुका है, और ये वाला ऊपरी वाला जो एरिया है, मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ तक जा सकता है उसकी मैक्सिमम रेंज 1820 तक है। तो 1820 आने के बाद यहाँ पर एक सेल का सिग्नल आ सकता है गोल्ड में, और वो धीरे धीरे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आना शुरू होगा, और वापस अगर अपट्रेंड ले लिया तो धीरे धीरे वापस अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में इतना समय लगा है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए उसको बहुत समय नहीं लगा। तो हम इसको, इस इंडिकेटर को कोई भी स्क्रिप्ट हो या कोई भी करेंसी चार्ट हो, उसके ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इंडिया 50 का चार्ट है, मतलब निफ्टी का है, इंडियन मार्केट्स में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं इसको लगा रहा हूँ, देखिए लगाने का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल रखा है मैंने। तो
तुरंत ये लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लग गया है, और करंट लेवल पे जो मार्केट है यहाँ पे, ये निफ्टी का है 18। तो इस सिग्नल को कंफर्म करने के लिए हमने MACD इंडिकेटर का सहारा लिया था। देखिए ये अपसाइड में जा रहा है, तो इंडियन मार्केट्स में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में MT4 में इंडियन स्टॉक मार्केट का डाटा अवेलेबल है तो। ओके, और फॉरेक्स के लिए तो ऑलरेडी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो बेटर अभी GBP USDP भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखिए बस सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये लग जाएगा अपने आप। थोड़ा समय लग सकता है लोड होने में। देखिए ये लग गया, तो ये बाई में चल रहा है अभी। तो एक घंटे के ऊपर अगर हम इसको देख रहे हैं कि ये बाई में चल रहा है, तो हम कुछ छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद, एक मिनट में जाने के बाद जो भी बाई के सिग्नल्स हमको इस एरिया से मिलते हैं, या 5 मिनट पे भी इसको अगर हम इस्तेमाल करें इस लेवल से बाई के सिग्नल, देखिए किस प्रकार एकदम स्मूथ सिग्नल जा रहे हैं। तो बाइंग का जो एरिया है वो हमारा ये डॉटेड लाइन के आसपास इर्द गिर्द में होगा, और जितना वो डाउन साइड से देगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सिग्नल यहाँ पर मिला है, लेकिन एक्चुअल में हम ट्रेड ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद में लेने वाले हैं, राइट। तो जितना हो सके नीचे से जो सिग्नल आएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ा देगा, और हमारा जो माइंड में कन्फ्यूजन होता है मार्केट को लेकर, वो आपका कन्फ्यूजन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो कन्फ्यूज्ड मार्केट है उसको मैंने सिंपल करने की एक कोशिश की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी भाई लोग हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कुछ ना कुछ पैसा कमाएं, राइट। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट भी करिए, और अगर किसी को ये सिस्टम चाहिए, ओके, किसी को ये सिस्टम चाहिए तो मैं आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना होगा। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने एक सेटिंग भी की है 100-100, जो चाहे आप लॉट साइजेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 0.02 पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमें मालूम है कि 1 घंटे पर GBP का मार्केट अब जा रहा है, अभी कोई सिग्नल मौजूद नहीं है यहाँ पर, फिर भी बस आपको दिखाने के लिए मैं एक ट्रेड यहाँ पर मार रहा हूँ। मैं बाय पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पे। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, लेकिन जो ट्रेड पिछले वीडियो में हुआ था तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके, इसका कोड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड है, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। तो कुछ सिग्नल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखिए 30 मिनट्स पे या कोई भी टाइम फ्रेम हो उसके ऊपर सिग्नल आएंगे, जो भी टाइम फ्रेम से आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसी के अनुसार इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बस यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो भी सिग्नल्स बीच में आते हैं, ओके, तो उन सिग्नल्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम उसको अवॉइड कर देंगे। जो भी सिग्नल्स डाउनवर्ड्स में आएंगे इस डॉटेड वाले एरिया में बाई के, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेल का है ऊपरी लेवल पर, यहाँ पर सेल का है, यहाँ पर सेल का है, तो इसके साथ में हम MACD का अगर कंफर्मेशन ले लें तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, और जो स्टॉप लॉस जाएगा इस एरो के नीचे जाएगा या एरो के ऊपर जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो ट्रेड लिया था इसमें टारगेट पॉइंट जो है 1802 पे ये हिट हो गया है, और $49 का प्रॉफिट इसने कर लिया है, मतलब 5 पिप का प्रॉफिट है ये। तो आपको अगर ट्रायल भी लेना है तो 4 दिन का या 3 दिन का मैं ट्रायल आपके कंप्यूटर में इसका इंस्टॉल भी कर दूंगा, आप उसका एक्सपीरियंस लें पूरे 3-4 दिनों तक, और अगर आपको पसंद आए तो हम आगे की बात करते हैं कि कैसे आप इसको अपने लिए खरीद सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर इसकी कुछ भी कॉस्टिंग डिसाइड नहीं हुई है, कॉस्ट वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं हुई है। ओके, तो
ऐसे नहीं होगा कि लाख रुपए दो, 50,000 दो, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ नॉमिनल से कॉस्ट हम इसमें रखेंगे, जिसमें आपका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए और मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जियो और जीने दो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही वाइंड अप कर दूंगा, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आगे का भी कुछ ट्रेड्स वगैरह मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।